हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। इंडिया वालों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, A1 होंगे, जबरदस्त होंगे। तो काफी दिनों बाद आज मैं वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत ही मजे की और बहुत ही अमेजिंग है। इसका आप लोगों को मैं टाइटल बताऊंगा तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ये इंडियन पुलिस VS पाकिस्तानी पुलिस है, तो ये बड़ी मजे की वीडियो होने वाली है। आप सब ने ये वीडियो लाजमी देखनी है और मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि वीडियो आप सब लोगों को कैसी लगी। और यार, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप जो भी रैंडम मेरे चैनल पर आता है तो काइंडली लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो लाजमी शेयर करिएगा, ठीक है? आप लोगों की सपोर्ट की वजह से थोड़ा सा मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है? आप लोगों का प्यार जितना मुझे मिलेगा उतना मेरा फ़ायदा है। वीडियो करता हूँ शुरू और मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपको पता था 2021-22 के बजट के अनुसार इंडिया की गवर्नमेंट ने अपने पुलिस फोर्स के लिए पूरे 1,38,000 करोड़ साइड में रख दिए हैं। वहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनके ऑफिसर्स को सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ का रोकड़ा दिया है। और यही बजट का इस्तेमाल करते हुए जहां इंडिया की पुलिस फोर्स के पास 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां जैसे महिंद्रा मार्क्समैन और रेनो शेरपा शामिल हैं और उनकी बंदूकों की खदान में एक्सकैलिबर राइफल जैसी बंदूकें शामिल हैं। वहीं आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इतने कम पैसों में कितनी गाड़ियां और बंदूकों का इंतजाम कर पाता होगा? आज हम इसी के साथ कई और विभागों में इंडिया और पाकिस्तान की पुलिस की तुलना करने जा रहे हैं। इनोवा टुडेज ताजा इंडियन पुलिस वर्सेस पाकिस्तानी पुलिस। नंबर 1, बजट और ऑफिसर्स की संख्या। अब जहां हम शुरुआत से शुरू कर ही रहे हैं तो आपको बता दूं कि इंडिया के पूरे 138 करोड़ की आबादी के लिए देश भर में सिर्फ 20 लाख जितने पुलिस वाले मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान की 22 करोड़ की जनता के सामने पूरे 4 से 5 लाख पुलिस है। और अब जाहिर सी बात है कि इतने सारे पुलिस वाले फोर्स में मौजूद हैं तो इनके लालन पालन पोषण के लिए भी पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। तभी तो इंडियन पुलिस फोर्स के ऑफिसर्स के लिए गवर्नमेंट ने पूरे 1,38,000 करोड़ रुपए जमा करके संभाल के रखा है। वहीं हम पाकिस्तान के बजट की ओर ध्यान दें तो उनको खर्च करने के लिए 130 करोड़ मिलते हैं। पर जहां ये दोनों देशों के ऑफिसर्स की आबादी में इतना ज्यादा फर्क है, वहाँ एक चीज थोड़ी सी कॉमन भी है। वो ये है कि दोनों देशों के पुलिस फोर्स में आपको ज्यादातर मर्द ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों ही देशों में लेडी ऑफिसर्स की बहुत ज्यादा कमी है। और ये आंकड़ा इतना ज्यादा ऊपर नीचे है कि जहाँ भारतीय पुलिस फोर्स में कम से कम 33% ऑफिसर्स महिला ऑफिसर्स होनी चाहिए, वहीं 2020 में पूरे पुलिस फोर्स में सिर्फ और सिर्फ 12% ऑफिसर्स महिलाएं थी। लेकिन ये तो भूल से भी मत सोचना कि हमारे पड़ोसी देश की हालत अच्छी होगी, क्योंकि इनके यहाँ तो पूरे 4-5 लाख की पुलिस फोर्स में सिर्फ 1.5% ऑफिसर्स औरतें हैं। पर इन औरतों के साथ ये अकेला नाइंसाफी भरा काम नहीं होता। इसके अलावा भी दोनों देशों में लेडी ऑफिसर्स को या तो सिर्फ डेस्क जॉब दिया जाता है या तो फिर FIR लेने का काम पर बिठा देते हैं और बाकी के ऑन ड्यूटी जॉब्स मर्दों के लिए साइड पर रख दिए जाते हैं। खैर, जहां औरतों और मर्दों में इतना मतभेद किया जाता है, वहीं इंडिया में पुलिस ऑफिसर्स बनने की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं होता। नंबर 2, पुलिस बनने की रिक्वायरमेंट। जहां कोई भी भारतीय जिसने 12वीं या उससे ज्यादा की पढ़ाई की होगी उसे पुलिस एकेडमी में अप्लाई करने दिया जाता है, वहीं पाकिस्तान पुलिस में सबसे जूनियर लेवल पर भर्ती होने के लिए 10वीं की शिक्षा भी काफी होती है। और इंडिया के इसी पुलिस फोर्स में 8 मेन पोस्ट होते हैं, जहां सबसे जूनियर पोस्ट पर आते हैं कांस्टेबल, जिनकी उम्र 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए, और इनके डायरेक्ट ऊपर वाली पोस्ट पर आते हैं हेड कांस्टेबल, जिन दोनों को वहां तक पहुंचने के लिए स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जाम में अव्वल नंबर लाने पड़ते हैं। और जब यही हेड कांस्टेबल्स ने 5 से 7 साल तक अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाली होती है, तब उन्हें प्रमोट करके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। अब इन सारे लोगों को जो ऑफिसर्स लीड करते हैं उन्हें सर्किल इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर बुलाया जाता है, जिन्हें नौकरी देने की जिम्मेदारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर पड़ती है। और इनके ऊपर की कुर्सी पर बैठे होते हैं DSP, जिनको सुपरवाइज करने के लिए हर राज्य में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी मौजूद होते हैं, जहां इन दोनों ओहदों पर पहुंचने से पहले इन्हें IPS की कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। पर ऑफिसर्स की गिनती में जो सबसे ऊपर ओहदे पर आते हैं वो हैं स्टेट के DGP, जिनके नीचे स्टेट भर के सारे पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। नंबर 3, आर्म्स एंड एम्युनिशंस।
वैसे जहां इंडियन पुलिस फोर्स को 26 अलग अलग किस्म की फायर आर्म्स प्रोवाइड की जाती हैं, वहीं पाकिस्तानी पुलिस के कलेक्शन में सिर्फ 8 प्रकार के गन्स शामिल हैं। जी हाँ, और भारतीय पुलिस के बंदूकों के खदान की लंबी लिस्ट में शामिल होते हैं हैंडगन, शॉटगन, सबमशीन गन, राइफल से लेकर लाइट मशीन गन और स्नाइपर राइफल, जिनमें ब्रगर्स, इंथोनेट M9P, कॉर्नर शॉट, एक्सकैलिबर राइफल जैसी बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ 23 और फायर आर्म्स भी शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान पुलिस की बंदूक की बैग में बेरेटा 92FS, ग्लॉक पिस्टल, हेकलर्स इन कॉच, असॉल्ट राइफल, शॉटगन और राइट गन आपको देखने को मिल जाएंगी। अब वैसे तो दोनों देशों में बंदूकें वगैरह दी गई हैं, लेकिन जिधर एक्चुअल सुरक्षा की बात आती है, वहाँ दोनों के यहाँ की हालत एक जैसी है, क्योंकि एक आधे बुलेट प्रूफ वेस्ट ग्लव्स, टियर गैस और पुलिस के डंडे के अलावा ज्यादा कुछ खास सिक्योरिटी हमारे पुलिस ऑफिसर्स को नहीं दी जाती, जिसके चलते आए दिन हजारों की तादाद में दोनों देशों के वर्दी वाले ऑफिसर्स की हत्या हो जाती है। जहां सिर्फ सितंबर 2018 से अगस्त 2019 तक के समय में देश भर में 292 पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी के वक्त जान चली गई थी। और यही नहीं, इसी आर्टिकल के हिसाब से आजादी के बाद से 2019 तक पूरे 35,000 पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी जान गंवाई है। पर ये हालात सिर्फ इंडिया के ही नहीं है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी कुछ यही हाल है, जहां आए दिन कई सारे पुलिस ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं। और ये सारी घटनाएं सिर्फ एक महीने के अंदर घटी थी। तो अगर पुलिस ऑफिसर्स को डंडे और टियर गैस के अलावा बेहतर प्रोटेक्टिव गियर दिया गया होता, तो क्या दोनों देशों के इन हादसों को रोका जा सकता था? नंबर 4, पुलिस की गाड़ियां। और यही गाड़ियों की व्यवस्था में इंडिया के पास इन टोटल 2,00,000 से ज्यादा गाड़ियां और बाइक्स मौजूद हैं, वहीं पाकिस्तान के पास कुल 50,000 सवारियां हैं। जहां इंडिया में इन्हीं 2,00,000 प्लस गाड़ियों को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिसमें 11,000 से ज्यादा हैवी ड्यूटी व्हीकल शामिल होते हैं, जैसे महिंद्रा मार्क्समैन और रेनो शेरपा। साथ ही 19,000 मीडियम ड्यूटी व्हीकल्स और 80,000 लाइट वेट व्हीकल्स होती हैं, जिसमें पेट्रोलिंग के लिए पुलिस ऑफिसर्स को बाइक दी जाती हैं। अब वहीं हम पाकिस्तान पुलिस के 50,000 वाहनों की बात करें, तो इनमें हाईवे पेट्रोलिंग और लोकल पुलिस वाले अक्सर टोयोटा हाइलक्स में घूमते हुए पाए जाते हैं। वहीं मोटरवे पुलिस को ज्यादातर टोयोटा कोरोला या प्रेडो में देखा जाता है। और ऐसे ही अलग अलग गाड़ियों के साथ ही हाई रिस्क वाली जगहों पर जाने के लिए ऑफिसर्स को बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी प्रोवाइड की जाती हैं। पर जहां इन ऑफिसर्स को ये सारी महंगी और बड़ी बड़ी गाड़ियां तो दी जाती हैं, लेकिन दूसरी ओर इनकी देखभाल करने का साधन सही तरीके से नहीं दिया जाता। यानी आप मानोगे नहीं, इंडिया में आज के दिन में पेट्रोल कार्स में दिन भर में 20 लीटर का पेट्रोल ऑफिशियली डाला जाता है, जहां उन्हें इसी पेट्रोल को दिन के 11 से 18 घंटे की शिफ्ट में इस्तेमाल करना होता है। और तभी तो कई ऑफिसर्स इसी पेट्रोल की मात्रा को बढ़ाने तक की बात करते हैं। तो क्या ये भी एक बड़ा कारण है, जिसके कारण आए दिन दोनों देशों की पुलिस के हाथों कई गैर कानूनी काम होते हैं? शक्तियों का दुरुपयोग। क्योंकि आप मानोगे नहीं, गवर्नमेंट के सर्वे के अनुसार पाकिस्तानी पुलिस के खिलाफ सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं, और वहाँ की पब्लिक में अगर किसी चीज का खौफ है तो वो पुलिस ही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस देश में 2017 की रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस के हाथों 495 निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी, तो अब इन्हीं पुलिस वालों पर कौन भरोसा कर सकता है? क्योंकि ऐसा ही केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, वो था 2010 का केस, जहां पाकिस्तानी पुलिस ने दिन दहाड़े 24 साल के युवक शहबाज की उसके पिता के सामने हत्या कर दी थी। पर यह अकेला ऐसा हादसा नहीं है, देश भर में ऐसे अनगिनत हादसे आए दिन सामने आते हैं। लेकिन ये पुलिस की खराब हालत बस पाकिस्तान की नहीं है, भारत का भी कुछ यही हाल है। जहां 2019 की रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया में पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा 1,731 लोगों की हत्या हुई थी। पर यही नहीं, 2020 के NCRB की रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया के 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज की पुलिस लॉकअप में पुलिस के द्वारा इन टोटल 43 बेगुनाह लोगों की हत्या हुई थी, जिनमें से सिर्फ 22 केस को रजिस्टर किया गया था और सिर्फ 11 पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया था। और इसी साल पूरे भारत वर्ष में कुल मिलाकर पुलिस के खिलाफ 4,720 केस फाइल किए गए थे, जिनमें से सिर्फ 1,356 अरेस्ट हुए और सिर्फ 18 ऐसे पुलिस वालों को अपराधी घोषित किया गया था। तो आखिर ये सारी पुलिस के द्वारा किए गए क्राइम्स के पीछे का असल कारण क्या हो सकता है? आखिर कैसे वही लोग जिन्हें हमारी सुरक्षा करने के लिए रखा गया है, हमारे खतरे का कारण बन गए हैं? आपको क्या लगता है, क्या ये अपने खुद के दम पर ये क्राइम्स कमिट करते हैं, या इनके पीछे किसी और बड़े व्यक्ति का हाथ है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी राय। और साथ ही दोनों देशों के रक्षकों की कौन सी डिफरेंस आपको सबसे अलग लगी? वीडियो आप सब लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप सबने लाजमी बताना। अच्छा, ये वीडियो देख कर ना मैं एक बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तानी पुलिस और जो इंडिया की पुलिस है, दोनों के हालात एक जैसे ही है। ठीक है, हर बंदा इनसे डरता है, जबकि
जो बाहर के मुल्क के लोग हैं ना, वो पुलिस को देख के कहते हैं कि ये हमारी हिफाजत के लिए आ गए, जबकि हम पुलिस को देखते हैं हम फौरी भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई मतलब कोई ब्लेम ना कर दें, कोई कोई भी चोरी डाल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने ड्रिंक की होती है। ये इंडिया के भी पुलिस वालों को यही हाल है, हमारे भी। और हाँ, 5 फिंगर इज नॉट इक्वल, ठीक है, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है। इंडिया में भी अच्छे लोग हैं और पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं। इन भाई साहब की मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, इंडिया और पाकिस्तान को इक्वल करके ये चले हैं, किसी को ऊपर नीचे नहीं इन्होंने किया, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा मजे की थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप सबने कमेंट करके लाजमी बताना है आप सब लोगों को वीडियो कैसी लगी है। और मेरी सोच से ज़्यादा इंडिया ना बहुत आगे जा चुका है, मैंने इस वीडियो में देखा है। मुझे वीडियो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी है और बहुत ही अच्छी वीडियो थी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर भी करना है। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में होती है मुलाकात।